What is up guys, welcome back to TechRacker। तो यार पीछे तुम लोग देख पा रहे होंगे नया वाईफाई कनेक्शन मैंने लगवा लिया है एंड एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर मैंने लगाया है। अभी से एक महीना भी नहीं हुआ है मेरे एरिया में आए हुए, बट मैंने लगा लिया है। और एयरटेल एक्सट्रीम ही क्यों लगाया, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था भाई। जियो अभी यहाँ आने में टाइम है, वैसे तो बॉक्स बुक जियो के लग गए हैं बट कह रहा है टाइम है। और अगर मैं कंपेयर करूँ एयरटेल और जियो को, तो भाई ऑब्वियसली एयरटेल की वाईफाई में ब्रॉडबैंड में हमेशा से एज रही है जियो से, चाहे वो पिंग का मामला हो, चाहे वो डाउनलोड स्पीड हो, चाहे वो अपलोड स्पीड हो। तो इसीलिए भाई एयरटेल एक्सट्रीम मैंने चुना है। बाकी खुशी इस बात की नहीं है कि मैंने एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर लगवाया है, खुशी इस बात की है जो भाई मेरा पुराना वाईफाई कनेक्शन है जो कि है BSNL, उसको मैंने फाइनली निकलवा दिया है। मतलब जो लोग मेरे को थोड़ा पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं उन्हें पता होगा कि भाई हमारे चैनल में ना स्ट्रीमिंग हुआ करती थी, जिसमें हम वैलोरेंट हो गया, GTA 5 हो गया, माइनक्राफ्ट हो गया, ऐसे ऐसे गेम हम लोग खेला करते थे स्ट्रीम में, डेली स्ट्रीमिंग चलती थी। बट भाई ड्यू टू BSNL कनेक्शन ये सब ठप पड़ गया भाई। 5 मिनट की स्ट्रीम करता था उसमें 50 एरर आ जाते थे, कभी पिंग की दिक्कत, कभी डाउनलोड स्पीड, कभी अपलोड स्पीड, कभी भाई राउटर ही डेड हो जाता था BSNL की तरफ से, कनेक्शन ही कट गए भाई, घंटों घंटों आ ही नहीं रहे। तो बहुत ज़्यादा मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। बहुत टाइम से मैं एयरटेल या जियो का वेट कर रहा था, बट मैंने भी काफ़ी रिसर्च करी, देखा भाई जियो काफ़ी पिछड़ रहा है ब्रॉडबैंड के मामले में। SWIMBPS अगर जियो बोलता है कि SWIMBPS का प्लान है तो वो 90 दे रहा है, वहीं एयरटेल SWIMBPS के प्लान में 120 दे रहा है। तो मतलब भाई ऑब्वियसली चॉइस बन गई थी कि भाई मैं एयरटेल लूँ। मोर ओवर एयरटेल जल्दी भी आ गया मेरे एरिया में, तो वो भी एक एयरटेल के लिए प्लस पॉइंट रहा। तो वैसे तो मैंने इंस्टॉलेशन करवा दिया, बट मैंने क्लिप्स कुछ ले लिया इंस्टॉलेशन के दिन की, तो पहले आप लोग उसे देख लो। तो गाइस फाइनली एयरटेल फाइबर का काम शुरू हो चुका है, एंड कब से मैं इस दिन का वेट कर रहा था। देखो KYC पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी है एंड अब वायरिंग का काम चल रहा है, और वायरिंग के बाद फिर उन्होंने कहा कि आज नहीं लगेगा फाइबर, कल लगेगा, कुछ इश्यूज हैं, बट कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा जब इतने समय से सहते हुए आ रहे हैं। तो देखो गाइस वायरिंग हो चुकी है पूरी अपनी, ये अपनी फाइबर की केबल जा रही है, ये पूरी फाइबर की केबल है, वहाँ से ये वहाँ पे खंबे पर अटैच की गई है। एंड ये वाले खंबे में नहीं है एयरटेल का बॉक्स, यहाँ पर एक खंबा है वहाँ पर एयरटेल का बॉक्स है, तो उधर जा रही है ये। एंड ये तुम लोग जो तार देख रहे हो ना, ये वाली ये है BSNL की तार, तो ये निकल जाएगी अभी। एंड यहाँ से तुम लोग देखो ये तार जा रही है वहाँ तक, ठीक है, ये तार जा रही है वो अपने टाटा स्काई के छतरी तक। एंड यहाँ से फिर मैंने तार को नीचे करवा दिया है, क्योंकि मेरे को इस वाले रूम में लगवाना है अपने। तो बाकी का काम देखो कल होगा, बाकी वायरिंग वायरिंग सब हो चुकी है, बस कल भैया फाइबर लगाने के लिए आएंगे। The next day।
लैन केबल भी है इसके साथ ये। गेम है ये वो है लैपटॉप स्टैंड ले रहा था ना उसके लिए कूलिंग। यूएसबी का काई के लिए होता है जाए क्या कहते हैं अपने प्रिंटर जोड़ने हो क्या थी प्रिंटर वायरलेस। अच्छा 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 डुअल बैंड राउटर है नहीं स्विच कैसे करते हैं इसे जैसे कभी 5 वाला आया 2.4 में आपको सर वाईफाई का ऑप्शन आया था। अच्छा हां बोलो ऑटोमेटिक है। अच्छा ऑटोमेटिक सिस्टम है यार पता नहीं यार सोनू को अभी बंद है सोनू को बोल तो दिया फोन करके। तो गाइज इंस्टॉलेशन हो चुकी है मेरे एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर की वो तुम लोगों ने पहले ही देख लिया स्टार्टिंग में वीडियो में कैसे कैसे इंस्टॉल हुआ। तो ये अपना बॉक्स है एयरटेल एक्सट्रीम का यहाँ पर लैपटॉप रखा है यहाँ पर रखा है मैंने पीसी तो तुम लोग देख पा रहे होंगे बिल्कुल सटा सटा के रखे हैं तीनों ताकि भाई इंटरनेट इश्यू हो ही ना भाई ठीक है। ड्यूअल बैंड राउटर है 2.4 गीगाहर्ट्ज में चलाओ 5 गीगाहर्ट्ज में चलाओ मैं पर्सनली 5 गीगाहर्ट्ज में चला रहा हूँ यहाँ मस्त स्पीड आ रही है एकदम। एंड साथ ही साथ भाई बॉक्स में मुझे लैन केबल भी मिल गई थी तो लैन की भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोलूँगा एक मीटर के अराउंड ये होगी तो लैन केबल भी भाई मिल गई थी बॉक्स में तुम्हें एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है लैन के भी मज़े ले सकते हो। तो बात करूँ अगर मैं मुझे कितना कॉस्ट किया भाई ये पूरा एक्सट्रीम का सेटअप करने में तो भाई मुझे कॉस्ट किया ये अराउंड 2829 रुपीज़ 3 महीने का मैंने प्लान लिया था 799 रुपीज़ का। और देखो इंस्टॉलेशन के मेरे 1000 रुपये मतलब वो हो गए थे वेव ऑफ हो गए थे तो मेरे को 2829 देने पड़े वरना भाई 1000 रुपये और लगते इंस्टॉलेशन के बट भाई वो 1000 रुपये नहीं लगे 3 महीने के प्लान के साथ 1 महीने का कराओगे तब लगेंगे। एंड चाहे तुम अगर 499 का भी कराओ ना 1 महीने का तो उसमें भी तुम्हें GST लगा के 1000 रुपये इंस्टॉलेशन लगा के लगेगा पर ऐसा नहीं कि 499 पे GST लगेगा उसमें भाई 1000 + 499 यानी 1499 में GST लगेगा तब तुम्हारी टोटल अमाउंट बनेगी। तो मैंने सोचा यार क्यों मतलब फालतू के वो करने इससे अच्छा भाई अपना 3 महीने का प्लान करा देते हैं। वैसे तो ये वाला भी 2300 कुछ का था बट इसमें भी GST लग के वही हो गया अपना 2800 कुछ का। बट देखो स्पीड अभी तक तो अच्छी आ रही है एक बार मैं तुम लोगों को भी दिखा देता हूँ स्पीड टेस्ट करके 2.4 GHz में भी करेंगे 5 GHz में भी करेंगे एंड LAN केबल में भी करेंगे। तो गाइस इंस्टॉलेशन एंड स्पीड टेस्ट तो तुम लोगों ने देख ही लिया एंड मतलब 120 Mbps दे रहा है यार 100 Mbps वाले प्लान में तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है।
वहीं अगर मैं बात करूँ BSNL, तो BSNL में भाई मुझे लैंड केबल लगा के 70 तक मिल जाती थी, मुश्किल से वो भी। बाकी जो एयरटेल की मुझे बुरी बात लगी, बुरी बात भी क्या कहूँ, 5 GHz में भी सेम चल रहा है, लैंड में भी सेम चल रहा है भाई, कुछ अंतर ही नहीं पता चल रहा। मुझे लगा था भाई लैंड है, वायर्ड कनेक्शन है, तो थोड़े क्या पता डाउनलोड स्पीड अच्छी है, क्या पता पिंग अच्छी है, बट पिंग नौ, मैं ऐसे नहीं कह रहा 9 बुरी पिंग है, कॉम्पिटेटिव खेल रहे हैं उनके लिए बुरी है, मेरे लिए 9 मोर देन इनफ है, बट और कम हो सकती थी मेरा ऐसा मानना है। बाकी भाई मेरा एक्सपीरियंस अभी मैं क्या ही शेयर करूँ, एक ही दिन हुआ है लगाए हुए, बट अभी तो देखो मैं 799 वाला प्लान चला रहा हूँ, फ्यूचर में मैं 499 में शिफ्ट कर लूंगा, तब तुम लोगों को भाई मैं अपना एक्सपीरियंस दूंगा एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के साथ। एंड गाइस एक और चीज, यहाँ पर तुम लोगों को एक चैनल दिख रहा होगा जो कि है टेक रैकर गेमिंग, थारे भाई आदित्य का चैनल है ये भी, तो इसे भी भाई सब्सक्राइब कर लेना। जो भी स्ट्रीमिंग होगी हम लोग इस चैनल में किया करेंगे, बहुत जल्द आने वाली है माइनक्राफ्ट, वैलोरेंट, BGMI की स्ट्रीम्स, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो अगर इस चैनल को नहीं किया है तो, एंड ये वाला तो कर ही दो यार, मतलब ऐसा करोगे तो मेरे साथ जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, एंड नीचे अमेजोन की एफिलिएट लिंक दी गई, अगर वहां से शॉपिंग करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, बट किंतु परंतु हमारे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। तो बस यार आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, चैनल कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।